नमस्कार, क्या बता दी, मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। इस समय मुझे आप उसमें ही देख रही हैं और मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ और आपके लिए कुछ खास उपाय और टोटके लेकर के आई हूँ। जन्माष्टमी का अवसर बहुत ही विलक्षण भोग और संयोग का होता है, ऐसे में आपने कुछ खास चीजें जरूर करनी है। मोर पंख के महा उपाय ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोर पंख की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी जिंदगी की नेगेटिविटी को भी दूर करता है। तो मोर पंख का आपने उपाय जरूर करना है। अब करना क्या है, एक दिव्य मोर पंख जो है वो आपने तैयार कर लेना है और साल में एक बार ऐसा योग और मौका मिलेगा, एक संयोग मिलेगा जब आप मोर पंख को तैयार कर सकते हैं। और करना कैसे है, 6 तारीख की दिव्य रात्रि, 6 तारीख की रात्रि जो है वो बहुत ही विलक्षण योग की रात्रि होगी और आपने उस समय मोर पंख जो है वो तैयार। मेरी थोड़ी वीडियो शेप और ये, क्योंकि इस समय मैं खड़े होकर के वीडियो क्रूज के अंदर बना रही हूँ और थोड़ा सा ये साउंड भी हो सकता है, थोड़ी सी आपको साउंड भी बहुत अच्छी क्लियरिटी की नहीं दिख रही हो या नहीं सुनने को मिल रही हो, तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपने ये उपाय मिस नहीं करना है। ये देवी उपाय है, इसलिए मैं आप स्पेशली आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जन्माष्टमी की रात जो 6 तारीख की रात्रि, 6 सितंबर की रात्रि होगी, ये दिव्य रात्रि है, संयोग की रात्रि है, योग की रात्रि है, अद्भुत विलक्षण योग बन रहा है इस रात्रि में। तो आपने क्या करना है, क्या चीज करनी है, क्या चीजों को आपने खास करके ध्यान देना है। सबसे पहले आपने मोर पंख लेना है। कोशिश कीजिएगा कि मोर पंख आपका एकदम साफ सुथरा हो, धोया हुआ हो, जो आपके घरों में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, जहाँ आपने पूजा स्थान पर जहाँ भी आपने उस मोर पंख को रखा है उसी मोर पंख का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नया मोर पंख लाने की जरूरत नहीं है। उसे आपने गंगा जल से थोड़ा सा पवित्र कर लेना है, साफ सुथरा कर लेना और उसके बाद आपने इस उपाय को, इस विलक्षण उपाय को करना है। मोर पंख लीजिए और उसके ऊपर आपने जो तुलसी होती है, तुलसी का रस निकालना है। तुलसी के पत्तों को थोड़ा सा मसल करके उसमें थोड़ा जल मिला लीजिए, उस रस का आपने उसके ऊपर छींटा करना है और जय श्री कृष्णा राधे राधे जपते हुए आपने समोर पंख को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देना है। ये करना है आपने जब श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा रात के 12 बजे 6 की रात्रि, क्योंकि 6 की रात्रि को बन रहा है विलक्षण योग, 6 की रात्रि को बन रहा है अद्भुत संयोग। तो आपने 6 की रात्रि ही इस उपाय को करना है। आपने सबसे पहले जो अपना मोर पंख को आपने पवित्र किया है, उस पर तुलसी के जल का छिड़काव किया है, उसे आपने श्री कृष्ण के आगे रख देना है और कृष्ण के सामने बैठ करके, कहते हैं ना कि राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी, तो मुरारी तब चले आते हैं जब राधे राधे का स्मरण होता है। तो श्री कृष्ण के सामने रख करके पूरी 21 माला राधे राधे के नाम की आपने जपनी है। अब ये ध्यान रखिएगा, वैसे तो कहते हैं कि जितनी मालाएं आप जपे उस दिन राधे राधे की, उतने जल्दी श्री कृष्ण मान जाते हैं, उतने जल्दी श्री कृष्ण आपकी बातों को मानने के साथ साथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। तो आपने सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि राधे राधे ही जपना है, खूब राधे राधे जपिए और खूब सारा राधे राधे जपते हुए आपने भगवान श्री कृष्ण की स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपने राधे राधे जपना है और भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण भी करेंगे। रात भर आपने ये मोर पंख वही रहने देना है श्री कृष्ण के समक्ष और अगली सुबह इसे आपने किसी भी पवित्र साफ सुथरे कपड़े के अंदर लपेट करके रख देना है। अगर आपके घर में नजर लग जाती है, अगर किसी को भी नजर लग जाती है, तो हल्का सा सर से लेकर के पांव तक पूरा ऊपर से नीचे उतारते हुए आप एक तरह का ऊपर से नीचे ऐसे लेयर लाते हैं, ऐसे करते हुए आपने पैरों को नहीं छुआना, पैरों के ऊपर तक ही आप इस उपाय को लीजिएगा और आपने इसे एक बार ऊपर से नीचे तक करना है तो उस व्यक्ति की एनर्जी एकदम पॉजिटिव होने लगेगी, नेगेटिविटी उनकी दूर होने लगी। अगर आपके घर को नजर लग जाती है तो आपने अपने घर के मुख्य दहलीज को ऐसे ही एक बार स्पर्श कराना है, चारों तरफ आपने स्पर्श कराना है, जमीन की तरफ टच नहीं करना है, क्योंकि ये पवित्र मोर पंख आपके लिए दैवीय है और आपको बहुत लाभ देगा। तो आपने उसका चारों तरफ आपने जस्ट टच कर करके
मतलब जमीन को टच ना करें, जमीन के कोनों पे कॉर्नर्स पे आप इसे हल्का सा टच कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पैर रखते हैं वहां पे टच ना करें। तो आपने हल्का सा भी टच करेंगे तो देखिएगा आपके घर को जो नजर लगी हो वो दूर हो जाएगी। बच्चे कई बार बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं, ज्यादा बीमार होते हैं, जिद करने लगते हैं, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा कई बार परेशान करने लगते हैं। तो बच्चों के ऊपर से 7 बार अगर के उल्टा घुमाते हैं मोर पंख को, और फिर सर से लेकर के उनके नाभि के हिस्से तक ऊपर से नीचे लेकर के आते हैं, और ऐसा अगर के आप 7 बार करते हैं तो आपके बच्चे जिद करना छोड़ देंगे, इरिटेट करना छोड़ देंगे, इनफैक्ट आपके बच्चे शांत होना शुरू हो जाएंगे। तो ये उपाय आपने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर ही करना है, और पूरे साल के लिए आपने ये देवीय जो आप मोर पंख है वो अपने लिए तैयार कर लेंगे। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।